Next, use of flowers in medicines. Flowers are used to make medicines as well. फूलों से बनाई जाती है बहुत सारी दवाइयाँ. Find out names of any two flowers which are used to making medicines. तो फूलों के नाम बताइए जिससे बनती है दवाइयाँ. ऐसे टू फ्लावर्स हैं रोज और मोगरा. How is rose water is used in house? तो रोज वाटर का इस्तेमाल आपके घर में कैसे होता है देखते हैं. रोज वाटर यूज इन स्किन क्रीम्स. It can cure skin dryness and irritation and use in biryani and lassi. In अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है रोज वाटर. और रंग निकालने और परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स. तो जैसे गुलाब, हिबिस्कस, मैरी गोल्ड, इन सब फूलों से रंग निकाला जाता है. जैसे आपने मधुबनी पेंटिंग में देखा था, फूलों से रंग निकाल के उसी रंग से पेंट किया जाता है. Can you think of a color of which there is no flower? क्या ऐसे भी कोई कलर है जिस रंग का कोई भी फूल ना हो? तो जैसे सिल्वर कलर, ग्रे कलर और गोल्डन कलर के फूल नहीं होते. बाकी हर कलर के फूल आपको नजर आएंगे. लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट. तो सबसे ज्यादा सेंट बनाने में यूज होता है रोज और जैस्मिन, जिससे अत्तर भी बनाया जाता है. अत्तर आपने दुकान में देखा होगा, जो एक तरीके का परफ्यूम होता है. लखनऊ में इस तरीके के परफ्यूम बहुत बनते हैं और बहुत बिकते भी हैं. दिस इज रोज अत्तर एंड दिस इज जैस्मिन अत्तर. कुछ लोग इसको अत्तर बोलते हैं, कुछ लोग इसको इत्र बोलते हैं, दोनों सेम ही हैं. यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज व्हिच यूज फ्लावर्स. हियर इज अ रेसिपी फॉर व्हिच रोज वाटर इज यूज्ड. आपने ग्रैनी की रेसिपी के में फूलों के बहुत सारे इस्तेमाल देखे होंगे. यहाँ पे बहुत सुंदर एक रेसिपी जिसमें इस्तेमाल किया गया है रोज वाटर का. ग्रैनी की रेसिपी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर एंड ग्लिसरीन. एक सही मात्रा में आपको रोज वाटर और ग्लिसरीन मिक्स करना है. फिल दिस इन अ बोटल. एक बोतल में से आपको बंद करके रखना है. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. इसमें आपको डालने हैं कुछ बूंदे नींबू के रस के. इन विंटर्स यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन. योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई. और ठंड के मौसम में हमें इस्तेमाल करना है, हमें स्किन पर लगाना है ये मिक्सर, तो आपकी त्वचा कभी रुखी सुखी नहीं रहेगी और फटेगी नहीं. द नेक्स्ट यूज इज फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन. फूलों को हम अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी करते हैं. जैसे हमारे घर में कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली दशहरे के टाइम हम अपने घर में फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं दरवाजे पे, पूजा घर पे. उसी तरह बर्थडे पार्टीज में भी हम अपने दोस्तों को रोज और जीनिया फूल गिफ्ट करते हैं, घर को सजाते हैं. मैरिज की पार्टीज में भी रोज, जैस्मिन और कई फूलों से घर सजाया जाता है, पंडाल सजाया जाता है. और पूजा में भी हम कई फ्लावर्स को ऑफर करते हैं. क्या हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय, आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट. अगर आपके पास नज़दीक में है कोई फूलों को बेचने वाला तो उसे पूछे क्वेश्चन. जैसे व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट आर सेल. कौन से फूल बेचते हैं, जैसे रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन. कहाँ से लाता फूल, फेयर टू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम. तो वो फूल लाता है फूलों की खेती से या गार्डन से, मतलब हॉर्टिकल्चर फॉर्म और इन गार्डन. फायर टू पीपल बाय फ्लावर्स. तो लोग क्यों खरीदते हैं फूल. फूल खरीदने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं. जैसे हमारा घर सजाने के लिए, लोगों को गिफ्ट देने के लिए और पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये अलग अलग फूल. लिखते हैं इसका आंसर. द फ्लावर्स पीपल बाय फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू कीप देम. नेक्स्ट दिए गए प्रश्नों में आपको उन जगह पे टिक करना है जो फूल वाले बेचते हैं. तो जैसे फूल वाले फ्लावर स्ट्रैंड्स बेचते हैं. फ्लावर स्ट्रैंड्स यानी कि लंबी लंबी फूलों की लड़ियाँ. उसी तरह फूल वाले माला बना के भी बेचते हैं. इस तरह के फूलों के माला को कहते हैं गारलैंड, GARLAND. फूल बेचने वाले लूज पेटल्स भी बेचते हैं जिससे हम पूजा करते हैं. और फूल बेचने वाले कभी कभी बुके भी बनाते हैं. जब हम किसी बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज में जाते हैं तो हम अपने दोस्तों को इस तरीके के सुंदर गुलदस्ता का गिफ्ट देते हैं, उसे कहते हैं बुके. सी द स्पेलिंग वेरी केयरफुली, BOUQUET. इसमें ये लास्ट टी साइलेंट होता है और इसलिए हम इसको बुके बोलते हैं. बीच में ये फ्लावर पॉट्स और रंगोली है
रंगोली तो हम खुद बनाते हैं और फ्लावर पॉट्स फूल बेचने वाले नहीं बेचते। उसके लिए हमें दूसरे दुकान यानी कि नर्सरी में जाना पड़ता है। इसके अलावा फूल बेचने वाले गजरा भी बेचते हैं। गजरा यानी कि जैस्मिन के फूलों की लड़ियां, जिसे हम अपने बालों में लगा के और भी खूबसूरत हो जाते हैं। फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। एक फ्लावर की कीमत होती है 5 रुपए, एक लड़ी स्ट्रैंड की कीमत होती है 20 रुपए और एक गार्लैंड माला की कीमत होती है 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, जो डिपेंड करती है कि माला में कितने अलग अलग फूल सजाए हुए हैं। Has the flower seller learned to make bouquet or a net of flowers from anybody? From whom? तो ज्यादातर ये सभी लोग अपने बड़ों से ही ये सब काम सीखते हैं। Would they like the other members of their family to do this work? Why? हाँ, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार वाले ये वाला काम कंटिन्यू करे, क्योंकि इस काम में भी अच्छी खासी इनकम होती है। In last, very nice activity for you, collect flowers that have fallen. आपको पड़े हुए कुछ फूल इकट्ठा करने हैं। Spread them flower neatly between sheets of old paper. Old paper के बीच में फूलों को इकट्ठा करना है। Make sure that the flower do not touch each other. फूल एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। Now put a heavy object on the newspaper. Glue it please for some of time. पे रखे कोई हेवी ऑब्जेक्ट और उसको रहने दीजिए वैसे ही कुछ समय के लिए। After this, take out all flowers very carefully and prepare a scrapbook. तो अब आप धीरे से ध्यान से निकालो सारे फूलों को और एक scrapbook बनाइए। You can take use of notebooks or old papers. आप पुरानी notebook या newspaper का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। You can also use this dried flower to make pretty card. इस सूखे हुए फूलों से आप बहुत सुंदर सुंदर pretty cards भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा किया हमारा चैप्टर। अब कर लीजिए इस चैप्टर के सारे काम अपने कॉपी में। थैंक यू।